भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना 14वें दिन भी जारी है। बृजभूषण के खिलाफ 10 दिन पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में रेसलर्स की शिकायत पर सेक्सुअल हरासमेंट और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज हुआ। इसी बीच FIR की कुछ बातें सामने आई हैं, जिसमें बृजभूषण के सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया, जिसमें फिजिकल टच टूर्नामेंट में वार्म अप के दौरान गलत तरीके से छूने जैसे शिकायत दर्ज कराई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 महिला पहलवानों में से 2 ने ऐसे शिकायतें पुलिस से की है। हालांकि बृजभूषण लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पीड़ित महिला पहलवानों ने शिकायत में कहा कि बृजभूषण ने उन्हें सांस लेने के पैटर्न के बहाने उन्हें गलत तरीके से छुआ। बृजभूषण सिंह ने उनकी सहमति के बिना जांग, कंधे, पेट और छाती को टच किया। छेड़छाड़ के लिए बृजभूषण ने सांस के पैटर्न को चेक करने का बहाना बनाया। तो वहीं एक रेसलर ने अपनी शिकायत में बताया कि 2016 में टूर्नामेंट के दौरान बृजभूषण शरण सिंह एक रेसंतरा में थे, जहां कथित तौर पर सांसद ने उनकी छाती और पेट को छुआ। इस घटना के बाद महिला पहलवान बुरी तरह घबरा गई थी, उनका खाना खाने का मन नहीं हुआ, तो वहीं पूरी रात वो सो नहीं पाई। इसी के साथ महिला रेसलर्स ने शिकायत में कहा कि साल 2019 में वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी, वहां भी बृजभूषण सिंह आया और बहाने से उसकी छाती और पेट पर हाथ लगाकर उसका उत्पीड़न किया। एक महिला रेसलर ने अपनी शिकायत में बताया कि 2018 में सांसद ने उसे काफी देर तक कसकर गले लगाए रखा। इस दौरान बृजभूषण के हाथ बिल्कुल उसकी छाती के करीब थे, इससे वो असहज हो गई, जिस वजह से उसने खुद को बृजभूषण के चुंगल से छुड़ाया। दूसरी महिला पहलवान ने भी बृजभूषण पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। एक तरफ पहलवानों की बृजभूषण के साथ तस्वीर वायरल होती है, तो दूसरी तरफ पहलवान बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के लगातार आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कौन सही कौन गलत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।